हमारे देश में एक पढ़ा लिखा वर्ग है, यह अपने आप को अलग समझता है, ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, हिंदी में आप बुद्धिजीवी कह लीजिए, और इस वर्ग के लोगों को यूं लगता है जैसे भारत की जो धर्म निरपेक्षता है उसके गार्जियन वो लोग हैं। धर्म निरपेक्षता के नाम पर बवाल काटने का कोई भी मौका यह नहीं छोड़ते। जी हां, और जब एमपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह घोषणा की कि आने वाले विधानसभा सत्र में वह एक ऐसा कानून लाएंगे जिसमें लव जिहाद के खिलाफ जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ 5 साल कठोर कारावास की सजा का प्रावधान होगा। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार जिन राज्यों में है जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक, वह राज्य भी इस तरह के कानून को लाने की बात कर चुके हैं। और जब लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून आता है तो हमारे देश के जो धर्म निरपेक्ष लोग हैं उन्होंने बवाल काटना शुरू कर दिया। उन लोगों ने कोशिश ये की कि इस कानून को मुस्लिम विरोधी कानून के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके। दरअसल हम आपको यह बताएंगे कि यह लव जिहाद है क्या, इसका जन्म कहां से हुआ था, और ये जो कानून आ रहा है इसके फायदे या नुकसान किन लोगों के होंगे। आप संवाद देख रहे हैं और मैं हूं विवेक सिंह राजपूत। दरअसल ये मामला गर्माया तब जब 31 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और स्पष्ट निर्देश दिए कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना स्वीकार्य नहीं है। जी हां, समरीन यानी कि प्रियांशी जिसने शादी के बाद अपना नाम समरीन कर दिया, उसने हाई कोर्ट में यह याचिका दी कि उनके माता पिता उनकी शादी में इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन उनकी याचिका को रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने और ये स्पष्ट रूप से कहा कि सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए अगर आप शादी करते हैं तो वह स्वीकार्य नहीं है। जी हाँ, मैं आपको सिंपल और सरल भाषा में आपको समझाता हूं कि आखिर लव जिहाद है क्या। फैजल नाम का व्यक्ति अगर राहुल बनकर किसी पूजा से शादी करता है और शादी के बाद उसे सलमा बना देता है तो इसे आप लव जिहाद कहेंगे। और जो कानून पारित किया गया है वो इसी के खिलाफ किया गया है कि कोई भी पूजा सलमा ना बने और जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सके। अब इस लव जिहाद के कानून के खिलाफ लोगों ने, धर्म निरपेक्ष तथा कथित जो लोग हैं देश के, उन्होंने बवाल काटना शुरू कर दिया और इसे मुस्लिम विरोधी कानून बता दिया। मगर ये एक पहलू है, यह सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है। मान लीजिए कि कोई राहुल फैजल बनकर सलमा से शादी करता है और उसे पूजा बना देता है यानी कि उसका धर्म परिवर्तन करा देता है तो यह कानून उसके खिलाफ भी उतना लागू होता है। मगर यह सोचने की बात है कि कितने ऐसे राहुल हैं जो फैजल बनकर धर्म परिवर्तन कराते हैं लड़कियों का, और कितने फैजल ऐसे हैं जो राहुल बनकर लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। दरअसल मुद्दा यह है और इसीलिए अब काफी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। दरअसल इस कानून की शुरुआत जो है, इस कानून की मांग किसी हिंदू संगठन की तरफ से नहीं हुई थी। मैं आपको अब इस कानून के शुरुआत से लेकर जाता हूं कि इस कानून की जरूरत कब महसूस हुई थी। जब आप तथ्यों को जानेंगे और आपको ये पता चलेगा कि लव जिहाद के खिलाफ कानून की वकालत किसी हिंदू समर्थित संगठन ने नहीं की थी, इसकी शुरुआत केरला में हुई थी और क्रिश्चियंस की जो मिशनरीज है उन लोगों ने यह आरोप लगाया था कि काफी मुस्लिम युवक क्रिश्चियंस लड़कियों को बरगलाकर फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और उसके बाद कुछ हिंदू संगठनों भी केरला में यह आरोप लगाया था कि सिलसिलेवार और सिस्टमेटिक प्लानिंग करके हिंदू लड़कियों का और क्रिश्चियन लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है और उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा है।
चलिए मैं आपको बताता हूँ कि लव जिहाद ये जो शब्द है इसका जन्म हुआ था 2009 केरला में, और जो असली शब्द था वो रोमियो जिहाद था। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केरला में क्रिश्चियन मिशनरीज ने यह आरोप लगाए और केरला हाई कोर्ट में यह कहा गया कि काफी क्रिश्चियंस लड़कियों का, कम से कम 3 से 4 हजार लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ शादी करके और बहुत ही प्लानिंग के साथ। अब इस जब क्रिश्चियन मिशनरीज ने आरोप लगाया, उसके बाद हिंदू संगठन भी आ गया है और उन्होंने ये आरोप लगाया कि कई हिंदू लड़कियों का भी केरला में इस तरह से धर्म परिवर्तन हो रहा है। अब हिंदू संगठन नहीं थे उस वक्त, उस समय क्रिश्चियन मिशनरीज ने केरला हाई कोर्ट में ये आरोप लगाए थे और केरला हाई कोर्ट ने उस समय की सरकार से यह कहा था कि आप इस लव जिहाद यानी कि रोमियो जिहाद के खिलाफ कोई कानून लाइए। और जब आज देश में सरकारें लव जिहाद के खिलाफ कानून ला रही हैं, तो इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? धर्म निरपेक्षता के नाम पर क्यों इतना आप भोकाल मचा रहे हैं? यह सिर्फ राहुल के खिलाफ नहीं है, यह कानून फैजल के खिलाफ भी है और राहुल के खिलाफ भी है। इसलिए आप इसे हिंदू और मुसलमान का बंटवारे के रूप में मत दिखाइए, लोगों को बरगलाइए मत। यह कानून देश की कई कोर्टों के उस बयान को का प्रतिरूप है जिसमें कई बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी पिछले हफ्ते कहा, 2009 में केरला की हाई कोर्ट ने कहा था कि आप जबरन धर्म परिवर्तन शादी करके करवाते हैं वह स्वीकार नहीं है, किसी भी समाज में स्वीकार नहीं है। हमारे देश में यह मुद्दा गरमाया 2009 से, मगर उससे पहले ब्रिटेन में भी इस तरह का जो धार्मिक परिवर्तन करने का जो था वो एक मुद्दा बहुत गरमाया था और वहाँ की सिख और हिंदू समुदाय ने वहाँ की सरकार और कोर्ट में यह अपील की थी कि इस तरह के धर्म परिवर्तन को रोकना चाहिए। मैं आपको इस तरह के धर्म परिवर्तन के पीछे एक ऐसी हकीकत बताऊंगा जिस हकीकत से देश की कई सरकारें वाकिफ तो हैं, कई सो कॉल्ड धर्म निरपेक्ष सरकारें वाकिफ तो हैं, मगर वो कुछ करना नहीं चाहते। एनआईए की टीम ने देश के अलग अलग हिस्सों में लव जिहाद के खिलाफ काफी जांच की और इस जांच में यह पता चला कि पीएफआई के थ्रू, जी हाँ पीएफआई का नाम आपने सुना होगा, पीएफआई वही संस्था है जिसने दिल्ली के शाहीन बाग के मूवमेंट को, जो सीए और एनआरसी के विरोध था, उसको फंडिंग की थी। पीएफआई वही संस्था है जिसके दफ्तरों से यह पुर्जे मिले, यह पर्चे मिले कि हम भारत को इस्लामीकरण कर देंगे, भारत में इस्लामीकरण कर देंगे। इसी पीएफआई की फंडिंग इस तरह के धर्म परिवर्तन के केसेस में होती है। तो अगर इस तरह के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, जो कि शादी का झांसा देकर और फिर पूजा को सलमा बनाया जाता है, तो भारत के कई राज्यों की सरकार अगर कानून बना रही है तो इसमें गलत क्या है? इसमें उस मानसिकता को कुचलने की जरूरत है जो मानसिकता मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर देश के धर्म निरपेक्षता की दुहाई करते हुए न जाने हमारे देश की कितनी बच्चियों के साथ बेइंसाफी करते हैं। अगर देश की कुछ सरकारों ने इस लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है तो खुलकर बोलिए। संवाद में आप खुलकर विचार अपने व्यक्त कर सकते हैं, धड़ल्ले से विचार व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम डर के सामने नहीं झुकते और हम ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देश में धर्म निरपेक्षता के नाम पर कोई भी बवाल नहीं काटा जाना चाहिए और देश की बच्चियों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। संवाद से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।